ब्रेक के बाद आपका स्वागत। रेगन समाजजनों ने भगाना में बड़ी संख्या में शामिल होकर चल समारोह निकाला। ये समारोह बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव को लेकर निकाला गया है। रेगर समाज समिति भगाना द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भादो बीज बाबा रामदेव के जन्मोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया, जिसके बाद रविवार रात भजन संध्या का आयोजन किया गया जो देर रात तक चली। समाज के कोषाध्यक्ष रमेश खटमालिया द्वारा जानकारी दी और बताया गया कि बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव के अवसर पर उपनगर भगाना में सोमवार को बाबा रामदेव जी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नई रेगर कॉलोनी अहिर मोहल्ला फतेह चौक होली चौक मूलचंद चौधरी हाई स्कूल मार्ग से होते हुए पुनः मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बाबा की सवारी धौजा ढोल बैंड आकर्षक का केंद्र रहे। शोभा यात्रा के बाद मंदिर पर प्रसादी वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ये जुलूस हमारे बाबा रामदेव जी मंदिर से चला है। ये नई रेगर मोहल्ले होके अहिर मोहल्ला होली चौक फतेह चौक होते हुए नया ये पेट्रोल पंप है रेलवे कॉलोनी के पास से यहाँ होते हुए अपने बाबा रामदेव जी मंदिर पे वापस आएगा। कितने वर्षों से निकल रहा है? ये तो काफ़ी वर्षों से निकल रहा है, इसकी जानकारी हमारे को भी नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम से निकल रहे हैं। और क्या क्या है आयोजन में? जुलूस के अलावा आयोजन में बस यही है, रैली निकल रही ढोल धमाकों के साथ में, बैंड बाजों के साथ में। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल जो है रात्रि के अंदर भजन संध्या का आयोजन हुआ, सुबह जो है चल समारोह शहर के अंदर निकला और आज जो है बाबा का चल समारोह भगाना शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ रामदेव जी मंदिर पर समापन हुआ। कल रात्रि में भजन संध्या का समापन रात्रि 4:15 तक हुआ और ये हर साल हम जो है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आयोजक होता है इसमें रेगर समाज समिति भगाना। आज क्या क्या आयोजन होने? आज प्रातः 10 बजे से बाबा की शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें मुख्य आकर्षण जो आप देख ही रहे हैं ढोल धमाके, बाबा की ध्वजा, बाबा की सवारी और नृत्य करती हुई महिलाएं। आज जो है इसका जो पूरे भगाना में जो है होली चौक होता हुआ मूलचंद मार्ग से होता हुआ पुनः बाबा रामदेव जी मंदिर पर जो है समापन होगा। लगभग हमें 5:30 बज जाएगी और प्रसाद वितरण के साथ में समापन होगा।